हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा को हार्ड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एक्सल साइज़ हाफ बाजू जेंट स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नंबर दो है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना और वी गले की घटाई करना बताऊंगी कि मुड्ढे की घटाई कितनी और कैसे करनी है वी गले की घटाई कितनी और कैसे करनी है तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स पार्ट नंबर एक में मैंने इसमें बॉर्डर के लिए फंदे लेना बॉर्डर बुनना बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाकर इस डिजाइन को बुनना बताया हुआ है अगर आपने अभी तक इसका पार्ट नंबर एक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप पार्ट नंबर एक इसका देख लीजिएगा अब देखिए इसमें हम जो फंदे लेते हैं वो हेल्थ के अनुसार लेते हैं कि हेल्थ कितनी है तो साइज की हेल्थ के अनुसार इसमें हमने फंदे लिए हैं जो हम इसकी लेंथ बनाते हैं ये जिस किसी के लिए बनाते हैं उसकी हाइट के अनुसार हमें ये लेंथ रखनी होती है तो ये आप अपने हिसाब से देखिए कि आप जिस किसी के लिए बना रहे हैं उनकी हाइट कितनी है तो ये मैंने जो लेंथ रखी है ये पाँच फुट नौ इंच या पाँच फुट दस इंच जिसकी हाइट होगी उसको ये लेंथ आराम से आ जाएगी तो यहां से यहां तक मैं आपको पहले इंची टेप से नाप कर दिखाती हूं और फिर मैं आपको इसके डिजाइन गिनकर बताऊंगी ये देखिएगा बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक की इसकी जो लेंथ है वो हमारी 21 इंच से एक दो पॉइंट ऊपर तैयार होती है ये देखिएगा साढ़े इक्कीस इंच बनी है यहां तक हमारी पूरी है तो साढ़े इक्कीस इंच लेंथ हो गई है क्योंकि तीन इंच से एक दो पॉइंट ऊपर हमारा बॉर्डर है उसके बाद इसमें मैंने ये जो चौदह सिलाइयों का हमारा एक डिजाइन बनता है ये मैंने इसमें बारह डिजाइन कंप्लीट किए हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह डिजाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आपको सेम हाइट के लिए बनानी है पाँच फुट नौ इंच या पाँच फुट दस इंच के लिए तो आप सेम लेंथ रख सकती हैं अगर इससे कम हाइट है तो आप इसकी थोड़ी सी लेंथ कम बना लीजिए तो चलिए अब हम इसकी मुटे की घटाई शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका जो बैक पार्ट है ये मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है सीधी उल्टी सिलाइयों से अगर आप इसके बैक पार्ट में भी डिजाइन बनाना चाहती हैं तो बैक पार्ट में भी आप डिजाइन बना सकती हैं बैक पार्ट में भी मैंने सेम ही फंदे लिए हैं अगर आप चाहो तो एक या दो फंदा कम भी रख सकती हैं बैक पार्ट में क्योंकि हमने इसमें डिजाइन नहीं डाला है तो एक दो फंदा कम भी चल जाएगा और अगर सेम फंदे से बनाना चाहती हैं तो सेम फंदे से भी बना लीजिए जैसे नाइन्टी सेवन फंदे बॉर्डर में हैं सत्रह फंदे ऊपर बढ़ाए हैं एक सौ चौदह फंदे से हमारा बैक पार्ट बना है और एक सौ चौदह फंदे से फ्रंट वाला पार्ट बना है अब इसमें हम जो मुड्डे की घटाई करेंगे वो पांच चार दो एक यानी बारह फंदे की घटाई इधर से होगी और बारह फंदे की घटाई इस साइड से होगी तो जो हमें वी गले के लिए फंदे की घटाई करनी होती है हम क्या करते हैं जितने भी हमारे फंदे होते हैं उसके हाफ एक साइड के होते हैं हाफ एक साइड के होते हैं मान लिया यहाँ पर 115 फंदे होते तो सत्तावन फंदे इधर हो जाते सत्तावन इधर और एक बीच का हमारा फली का रह जाता लेकिन अब हमारे पास है एक फंदे तो एक में से सत्तावन हम एक साइड के रख लेंगे सत्तावन एक साइड के रख लेंगे जो हम फली बनाएंगे वो बनाते टाइम ही हम एक, एक एक्स्ट्रा फंदा नीचे से उठाकर उसकी फली बुनना शुरू कर देंगे तो अब देखिएगा यहां से हम पांच फंदे की घटाई करेंगे सीधी साइड या उल्टी साइड किसी साइड से भी आप घटाई कर सकते हो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा दो का एक करेंगे और फंदे को लूज रखेंगे, लूज रखें फिर से से लूज रखेंगे। और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे इस बात का आप ध्यान रखिएगा दो फंदे की घटाई हो गई इसे लूज रखिए सिलाई पर ले आइए दो का एक कर देंगे तीन हो गए फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे चार हो गए फिर से लूज रखेंगे स्लाइपर लाएंगे नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे तो ये हो गई हमारी पांच फंदे की यहाँ पर घटाई अब देखिए हमें अपने डिजाइन को सेट करना है यहाँ हमारा जो डिजाइन बन रहा था छे उल्टे छः सीधे से बन रहा था तो ये छः जो हमारे उल्टे आने थे उसमें से पांच फंदे की तो घटाई हो गई है अब हम क्या करेंगे ये एक ही फंदा हमारा इधर से ये पांच घट गए हैं और ये एक फंदा हमारा यहाँ पर हो गया है छठी वाला अब हम यहाँ छह फंदे डायरेक्ट सीधे बुन देंगे तो हमारा जो डिजाइन है क्योंकि पांच की घटाई होगी छठा ये हो गया तो ये तो छह हो गए अब हम छः फंदे सीधे बनाएंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से हमारा डिजाइन बन जाएगा जैसे हमारा नीचे से बनता आ रहा है तो ये छः हम सीधे बनाएंगे छः उल्टे बनाएंगे ऐसे करते हुए हमारा ये तेरहवा डिजाइन शुरू हो रहा है और हमें क्या करना है पूरी सिलाई नहीं बुननी है क्योंकि वी गले की घटाई सात के साथ शुरू होती है हमें यहाँ नाइन्टी हमारे जो एक सौ चौदह फंदे एक सौ चौदह में से सत्तावन फंदे हमारे एक साइड के हैं तो पाँच फंदे की तो घटाई हो गई है बावन फंदे हमें बुनने हैं तो यही पाँच छः हमारे जो छः सीधे छः उल्टे का जो क्रम है इसी के अनुसार बावन फंदे में बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बावन फंदे डिजाइन के हिसाब से मैंने बना लिए हैं पांच फंदे की यहाँ घटाई हो गई उसके बाद हमारे छः सीधे छः उल्टे छः सीधे छः उल्टे और यहाँ पर ये हमारे तीन सीधे आए हैं तो इधर बच गए हमारे 57 यानी सत्तावन फंदे तो इनको हम छोड़ देंगे और एक साइड के पार्ट को हम पहले बनाएंगे और जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर एक में बताया है कि अगर आप सिंगल धागे वाली इस तरह की ऊन से बनाते हो तो आपके होंगे बॉर्डर के बाद 126 फंदे तो 126 में आपके क्या होंगे 63 फंदे एक साइड के होंगे और 63 फंदे एक साइड के होंगे तरीका आपका बिल्कुल सेम होगा जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही है. तो अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे अगर हमारे पास एक पंद्रह होते तो हम यहाँ गले के लिए छोड़ देते अगर आपको गले के लिए फंदा ही छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फंदे को हम गले के लिए छोड़ देंगे और एक साइड के हमारे फिफ्टी सिक्स फंदे रह जाएंगे दोनों तरह से हो जाएगा मैं इसमें कोई फंदा नहीं छोड़ूंगी एक फंदा एक्स्ट्रा यहाँ से हम बना लेंगे और अगर आप छोड़ना चाहो तो एक फंदे से कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा हम अगर इस फंदे को ऐसे फलीम के लिए छोड़ भी देंगे तो इधर हमारे फिफ्टी सिक्स रह जाएंगे दोनों तरह से आप कर सकते हो तो देखिए अब हम यहीं से टर्न करेंगे और यहां से गले के लिए एक फंदे की घटाई कर देंगे ताकि इसकी साथ के साथ शेप आनी शुरू हो जाए तो दो का एक करेंगे और अब देखिए जो फंदे हमारे इधर सीधे हैं वो इधर उल्टे बनेंगे जो इधर उल्टे हैं वो इधर सीधे बनेंगे तो ऐसे करते हुए सिलाई को हम यहाँ तक बना लेंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने यहाँ सिलाई को कंप्लीट कर दिया है यहाँ से गले गले की घटाई शुरू हो गई है और यहाँ से हमारी मुड्ढे की घटाई हो गई है तो एक साइड का पार्ट हम पहले बुनेंगे दूसरी साइड का बाद में पांच फंदे की घटाई की अब हम यहाँ चार फंदे की घटाई करेंगे पाँच चार दो एक ऐसे करेंगे तो दो का एक करेंगे इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे फिर दो का एक कर देंगे फिर से इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और दो का एक करेंगे फिर लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक करेंगे जब हम फंदे को लूज रख के घटाई करते हैं तो ये शेप अच्छी आती है अगर टाइट करके रखते हैं तो इसकी घटाई की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है अब हमारे देखिए जो फंदे यहाँ सीधे होंगे उनको सीधा और जो उल्टे होंगे उनको उल्टा करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है अब देखिए ये गैप आ गया है क्योंकि यहाँ से हमने जब टर्न किया था तो ये गैप बन गया तो यहाँ तक फंदों को बनाना है तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है फिर से यहीं से टर्न कर जाएंगे और गले के लिए हम फिर से यहाँ फंदा घटा देंगे तो ये हमारा यहाँ पर दूसरी बार फंदा कम हो रहा है गले के लिए तो ये दो का हम एक करेंगे उसके बाद जो फंदे हमारे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे करते हुए इस सिलाई को यहां तक बुन लेंगे तो ये देखिए दो फंदे की घटाई तो यहाँ हमारी गले की हो गई है और दो बार की घटाई हमारी यहाँ मुड्ढे की हो गई है अब तीसरी बार हम यहाँ दो फंदे घटाएंगे पाँच चार और अब दो तो दो का एक करेंगे इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे अब फिर से हम अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को यहाँ बीच में जो हमारा गैप आ गया है ये फंदे हमारे आपके अलग दिखेंगे इन फंदों को हम बुन लेते हैं बीच तक तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है अब आ जाइए उल्टी साइड पर यहाँ से हम फिर से दो फंदे का एक फंदा यहाँ पर कर देंगे और डिजाइन के हिसाब से अपनी सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है तीन बार यहाँ से मुड्ढे की घटाई हो गई है और तीन फंदे लगातार गले के घर हमारे कम हो गए हैं अब यहाँ से लास्ट बार की घटाई है एक फंदे की तो पाँच चार दो और एक की घटाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है अब देखिएगा हमारे यहाँ जो डिजाइन बन रहा है तेरवा, इसकी हमारी सातवीं सिलाई आ गई है तो ये जो उल्टे फंदे हैं इनको अब हम यहाँ सीधा बना देंगे एक दो तीन चार और ये पांच क्योंकि ये छः थे छः में से ये दो का एक किया तो ये उल्टा हो गया और पांच सीधे हो गए अब ये जो छह फंदे सीधे हैं थोड़ा सा डिजाइन फिर से बनाकर दिखा रही हूँ बाकी पार्ट वन में मैंने कंप्लीट डिजाइन बताया हुआ है इन दो फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे और ऐसे उतारेंगे और बैक साइड से दो फंदे को डाल लेंगे इसे पलट कर हम आगे कर देंगे और इन फंदों को अब हम सीधा बना देंगे बिल्कुल सेम तरीका है जैसे मैंने डिजाइन को बुनना बताया है इस फंदे को छोड़ेंगे नेक्स्ट वाले दो फंदे में बैक साइड से हम सिलाई डाल लेंगे और इन तीनों फंदों को अब हम देखिए ऐसे उतार लेंगे तो दो तो सिलाई पर आ गए हैं बैक साइड से ये हमारा फ्रंट वाली सिलाई पर आ गया बैक साइड से दोनों फंदे बीच में कर देंगे और तीनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे तो ये हो गया है देखिए सातवीं सिलाई पर हमारा डिजाइन बन रहा है अब ऐसे ही करते हुए यहाँ तक फंदों को हम बना लेंगे तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया है अब यहाँ से हम गले के लिए फिर से एक फंदा कम करेंगे तो हमारे लगातार यहाँ पर चार फंदे कम हो चुके हैं चार बार यहाँ पाँच चार दो एक की घटाई इधर हो गई है और एक एक फंदे की चार बार घटाई इधर से हो गई अब ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनाएंगे डिजाइन की हमारी यहाँ आठवीं सिलाई बन रही है तो ये देखिए हमारी उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई मुडे की घटाई भी कंप्लीट हो गई है अब हम डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे तो डिजाइन मैंने पहले को बनाना बताया हुआ है तो ठीक वही हमारा डिजाइन चल रहा है तो इस सिलाई को मैं यहाँ तक एक बार बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है अब इस साइड से चार फंदे हमने लगातार गले के लिए घटा दिए हैं तो अब की बार हम क्या करेंगे उल्टी साइड पर फंदा नहीं घटाएंगे ऐसे ही अपनी सिलाई को बुन लेंगे फिर हम सीधी साइड से सिलाई को बनाएंगे जब नेक्स्ट बार हम यहां पर आएंगे तब हम यहां से एक फंदा घटाएंगे अब आगे हमें गले की जो घटाई करनी है ऐसे ही करनी है एक बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे नेक्स्ट बार बुन के तब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे तब हम यहाँ दो का एक करेंगे तो हमें यहाँ से इसी तरीके से फंदे घटाते हुए तब तक फंदे घटाने जब तक तीन प्लाई वाली ऊन में हमारे तीस से इकतीस फंदे नहीं बचते हैं यानी तीस से इकतीस फंदे हमें शोल्डर के रखने हैं और बाकी के फंदों को हमें गले में घटाना है और जैसे कि आपकी ये वाली ऊन है और आपके 126 फंदे होंगे तो आपको क्या करना है जो कंधे के फंदे आपको रखने शोल्डर के वो 35 से 36 फंदे आप रखिएगा शोल्डर पर शोल्डर के 35-36 फंदे रहने तक अब ये चार चार तो ऐसे ही लगातार आपने घटाने हैं और उसके बाद एक एक करके एक बार आओ यहाँ पर तो फंदा नहीं घटाना है नेक्स्ट बार आओ तो यहाँ पर फंदा घटा देना है और ऐसे ही घटाते हुए पैंतीस छत्तीस फंदे इस वाली ऊन में और तीस से इकतीस फंदे इस तीन प्लाई वाली ऊन में हमें रखने हैं तो ऐसे करते फिर जब हमारी लेंथ पूरी नहीं होगी तब हम बिना फंदे घटाए जो फंदे हमारे बच जाएंगे तीस इकतीस उसी में डिजाइन को बुनते हुए इसकी लेंथ को पूरा करेंगे हमें इसकी जो लेंथ कर पूरी करनी है वो इस तरह से राउंड में नाफ कर ऊपर तक साढ़े दस इंच इसकी राउंड में लेंथ पूरी करनी है तो मैं ये एक साइड का पार्ट बना लेती हूँ फिर मैं आपको इसकी लेंथ भी नाप के दिखाऊंगी और ये दूसरी साइड का जो पार्ट है जो हमने फंदे ये छोड़ दिए हैं इनको मैं आपको बुन के दिखाऊंगी तो मैं अब ऐसे ही इस सिलाई पर फंदा नहीं घटाऊंगी फिर सीधी साइड से बुनूंगी उल्टी साइड पर आऊंगी तो फिर फंदा घटाऊंगी ऐसे करते हुए इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये एक साइड की इसकी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट हो गई है और घटाई के बाद आप गले वाली साइड इसकी शेप देख सकते हो बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है और ये जो हमारी इस तरह से राउंड में लेंथ है ये साढ़े दस इंच है इसका मैं आपको नाप लेकर दिखा देती हूँ कि आप अपनी स्वेटर का नाप कैसे रखेंगी ये देखिएगा इस तरीके से ऐसे इंची टेप रखिएगा और ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल भी नहीं खिंचना चाहिए जब आप इसका नाप लें बिल्कुल इस तरह से सीधा रखिए और ऐसे नाप लीजिएगा देखिए ऐसे और फिर ये जो हमारी घटाई में राउंड होती है इसको आप ऐसे नाप कर देखिए तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा साढ़े दस इंच तैयार हो गया है तो एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है अब हमें दूसरी साइड का बनाना है तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये थोड़ा लंबा धागा छोड़ दिया है ताकि जब हम कंधे जोड़ें तो ये हमारा काम आ जाए और फिर ऊन को कट करके मैंने देखिए यहाँ पर इसको बांध दिया है तो यहाँ आप इसकी चार से पांच पक्की नोट लगा दीजिए और यहाँ नीचे से आपको एक लूप उठा लेनी है देखिए इस तरीके से ऐसे लेंगे नीचे से और इस लूप के अंदर से धागा निकाल कर और फिर हम नोट लगा देंगे तो ये धागा हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है अब हम क्या करेंगे देखिए इस साइड में हमने जो घटाई की है मुड्ढे की घटाई सीधी साइड से हुई है और गले की घटाई उल्टी साइड से हुई है जब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे तो यहाँ से हमारी सीधी साइड से गले की घटाई होगी और उल्टी तरफ से हमारे मुड्ढे की घटाई शुरू हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ हमने चार फंदे लगातार एक एक करके घटाए हैं तो इधर भी हम चार ही घटाएंगे तो 57 फंदे इस साइड के 57 फंदे इस साइड के तो अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन है या तो हम जो गले के लिए बीच का फली का फंदा छोड़ते हैं या तो हम एक फंदे को अब किसी धागे में बांध कर छोड़ दें और 56 यानी यानि छप्पन फंदे से इस साइड के पार्ट को बना लें या हम ऐसा करेंगे जब गले की बुनाई करेंगे तो इस तरीके से हम ये लूप उठाकर और एक फंदा एक्स्ट्रा यहाँ पर फली बनाते टाइम क्रिएट कर लेंगे तो हमारा यहाँ ऐसे भी काम हो जाएगा तो मैं इसमें यहाँ फंदा नहीं छोड़ूंगी बुनाई करते टाइम एक, एक एक्स्ट्रा नीचे से उठाऊंगी तो यहाँ मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे अगर आपको एक फंदा छोड़ना है तो धागे में बांध कर छोड़ दीजिए और उसके बाद दो का एक करके गले की घटाई कीजिए तो ये हो गया है दो का एक अब हमें अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट करना है देखिए कैसे करेंगे हम अपने फंदे का हिसाब लगाएंगे ये देखिए एक ये इधर से गया और एक इधर से गया ये तो जॉइंट होते हैं ना ये जो छह फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे उसके ठीक बीच में दो फंदे ये आते हैं उसके बाद हम गिन लेंगे हमारे कितने फंदे हैं तो देखिए दो इधर के दो ये बीच के चार और दो इधर के छः हमें यहाँ उल्टे बुनने तो एक ही फंदा हमारा ही बचता है दो का एक करने के बाद अब घटाई शुरू हो चुकी है तो इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे अब यहां से छह फंदे डिजाइन के उल्टे बनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छह। आप इस साइड से भी देख सकते हो सेम इतने ही फंदे आपके इधर हुए हैं ऐसा ही डिजाइन आपका इधर सेट हुआ है ऐसा ही आपका इधर होगा तो ये देखिए इन दो फंदे के बाद ये डिजाइन के छह फंदे हमने उल्टे बनाए अब धागा पीछे करेंगे छह फंदे सीधे और छह उल्टे ऐसे करते हुए ये हमारे डिजाइन की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई को हमने डिजाइन के हिसाब से छह उल्टे छह सीधे करते हुए बना लिया अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और यहाँ से हम मुड्ढे की घटाई करेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर की है पाँच चार दो एक ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि जब घटाई करो तो दो का एक करने के बाद फंदे को आप लूज छोड़िए और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कीजिए देखिए दो फंदे हो गए फिर सिलाई पर लाएंगे तीन फिर से लूज करके सिलाई पर लाएंगे चार फिर से लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और दो का एक कर देंगे तो यहाँ से पाँच फंदे की घटाई हो गई अब देखिए हमें यहाँ पर ये यह ध्यान रखना है जो फंदे इधर सीधे बने वो इधर उल्टे हैं जो इधर उल्टे बनेंगे वो इधर सीधे हैं ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को हम यहाँ तक बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है यहाँ से गले की घटाई शुरू हो गई है यहाँ से आरम होल की घटाई शुरू हो गई है तो एक फंदे की घटाई यहाँ से हो गई है पांच फंदे की यहाँ से हो गई है अब हम यहाँ सीधी साइड से बुनेंगे तो एक फंदा घटा देंगे फिर उल्टी साइड से आएंगे तो इधर से चार फंदे फिर सीधी साइड पर आएंगे तो एक फंदा इस साइड से दो फंदे फिर यहाँ आएंगे तो सीधी साइड से एक फंदा और यहाँ से एक तो यानी पाँच चार दो एक की घटाई यहाँ से और यहाँ से चार फंदे लगातार एक एक करके घटाते जाएंगे उसके बाद जब एक बार हम सीधी साइड पर आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे। दूसरी बार जब उनके सीधी साइड से बुनाई करेंगे तो फिर एक फंदा ऐसे घटाएंगे। तो सेम तरीके से हमारी घटाई होते हुए ये हमारा डिजाइन सेट होते चले जाएगा और यहाँ पर शोल्डर के मैंने तीस फंदे छोड़े हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीन तार वाली में तीस से 31 फंदे रखेंगे और जो हमारी सिंगल धागे वाली ऊन है चाहे वो किसी भी कंपनी की हो उसमें पैंतीस से छत्तीस फंदे तक आप रख लीजिए एक आध फंदा ऊपर नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब मैं इसमें यहाँ से लगातार चार फंदे और इधर से हमारे मुड्ढे की घटाई कंप्लीट हो जाएगी पाँच चार दो एक से उसके बाद एक बार सीधी साइड से हम ऐसे ही बुन लेंगे एक बार फिर हम दो का एक करके घटाई करते हुए सेम इसके जितनी लेंथ मैं इस साइड के पार्ट की बुन लेती हूँ तीस फंदे हम शोल्डर के रखेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ कि घटाई के बाद हमारी जो है इसकी आर्म होल की और गले घटाई के बाद लुक कैसी आती है तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड की घटाई भी इसकी हमने कंप्लीट कर ली है और गले की जो शेप है घटाई के बाद आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर आई है तो आप भी इसी तरह से मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई कीजिए और यहाँ शोल्डर पर तीन प्लाई वाली ऊन में तीस से इकतीस फंदे और सिंगल तार वाली में पैंतीस से छत्तीस फंदे रखिएगा तो इसी तरह से आपके गले की भी बहुत ही सुंदर सी शेप आ जाएगी फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए चैनल पर न्यू जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बैक गले की घटाई करना और इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद